नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस जीके स्पेशल सीरीज में। हम हिमाचल प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं, तो आज के जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है बेस्ड ऑन टेंपल्स। तो मंदिरों के बारे में आज आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सिलसिले को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है मोहित रांटा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज का सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, किस मंदिर का कारदार, कारदार होता है प्रबंधक, ठाकुर और पुजारी लामा होता है। तो किस मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी लामा होता है? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से हैं। पहला ऑप्शन है त्रिलोकीनाथ मंदिर, दूसरा है शिकारी देवी मंदिर, तीसरा है नैना देवी मंदिर और चौथा है हिडिंबा देवी मंदिर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ए, त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो ए इसका राइट आंसर है। तो आपको बताना है शिकारी देवी टेम्पल जो है वो कहां पर है, कृपया करके कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो मनु का प्राचीनतम मंदिर कहां पर है, मनाली, रिवालसर, मंडी या फिर रेणुका जी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है, मनु की नगरी मानी जाती है मनाली, जिसके नाम पर मनाली का नाम पड़ा है। तो इस सवाल का सही जवाब है ए, मनाली। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो चंबा में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये बहुत ही फेमस मंदिर है हिमाचल प्रदेश का, तो ये किसने बनवाया? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मेरू वर्मन, लक्ष्मी वर्मन, साहिल वर्मन या ललित वर्मन। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया साहिल वर्मन ने। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राचीन रॉक कट मंदिर स्थित है? तो जो हिमाचल प्रदेश का रॉक कट टेम्पल है वो कहां पर है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मसरूर, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है निरमंड और चौथा है नूरपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है मसरूर रॉक कट टेम्पल, जो है जो रॉक कट टेम्पल है वो मसरूर में है। ए इसका राइट आंसर है। इसके साथ साथ मैं आपको एक सवाल और पूछता हूं। आज का दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा, जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है वो कौन सी सदी का बना हुआ है? अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर, हिमाचल प्रदेश का जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, ये सबसे पहला है नीरथ, फिर दूसरा है बिलासपुर, मंडी या सुजानपुर। तो हिमाचल प्रदेश का जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, वो कहां पर है? ये है नीरथ, रामपुर में। ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भीमा काली मंदिर स्थित है, तो भीमा काली मंदिर कहां पर है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, कांगड़ा, मनाली, मंडी या फिर सराहन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सराहन, भीमा काली का जो मंदिर है वो सराहन में है। अगला सवाल है, सुजानपुर टिहरा में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सुजानपुर टिहरा में जो प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कल्याण चंद ने, संसार चंद ने, सुशर्म चंद ने या फिर विधि चंद ने? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संसार चंद ने। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था संसार चंद ने। संसार चंद कांगड़ा का एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उदयपुर का मृकुला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस सामग्री से बना हुआ है? तो इस ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मिट्टी के गारे से, पक्की ईंटों से, पत्थरों से या फिर लकड़ी से? तो उदयपुर का जो मृकुला देवी का मंदिर है, ये कौन सी सामग्री से बना हुआ है? ये बना हुआ है लकड़ी से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डी, लकड़ी से। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है, नया कांगड़ा, पुरानी मंडी, नादौन या फिर पुराना बिलासपुर? तो रंगनाथ मंदिर कहां पर है, रंगनाथ मंदिर है पुराना बिलासपुर में। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है, कांगड़ा में, कुल्लू में, चंबा में या फिर शिमला में? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट और अहम मंदिर है, ये है चंबा में। तो बी इसका राइट आंसर है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर
परिचायक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो शैलियां हैं इन पर भी मैं एक जो वीडियो है वो बना चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो शैलियों पर मैं बता चुका हूँ पहले, तो पगोड़ा शैली का जो मंदिर है ये कौन सा मंदिर है, कौन सा ऐसा मंदिर है जो पगोड़ा शैली का परिचायक है। जो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, कामाख्या मंदिर, करसोग मंडी, या पंचवक्त्र मंदिर मंडी, या बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर सिरमौर, या लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा। तो पगोड़ा शैली का परिचायक कौन सा मंदिर है, पगोड़ा शैली का परिचायक है कामाख्या मंदिर, करसोग मंडी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 84 मंदिरों के समूह के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो 84 मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है भरमौर, डोडरा क्वार, रेणुका, या फिर मलाना। तो ये जो 84 मंदिरों वाली स्टोरी है ये साहिल वर्मन से जुड़ी हुई है। अगर आपने चंबा की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की हमारी वीडियोस देखी है जो कि प्लेलिस्ट में है, आप वहां से इनको देख सकते हैं, तो वहां पर हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो मंदिर है, मंदिरों का समूह है 84 मंदिरों का, ये संबंधित है भरमौर से। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है प्रसिद्ध शिकारी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। जो प्रसिद्ध शिकारी देवी मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में, या फिर शिमला में। तो शिकारी देवी का मंदिर कहाँ पर है, शिकारी देवी का मंदिर है मंडी में, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तु शैली से बना हुआ है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है चौरस छत शैली से, जो कि फ्लैट रूफ शैली होती है, दूसरा है शंकु छत शैली जिसे कि पगोड़ा शैली कहा जाता है, तीसरा है यहाँ पर ढलुआ छत शैली जिसे कि पेंट रूफ शैली कहा जाता है, नेक्स्ट है गुबंद शैली जिसे कि डोंड शैली कहा जाता है। तो इनमें से ज्वालामुखी मंदिर जो है वो कौन सी वास्तु शैली से बना हुआ है। तो वास्तु शैली से, जिस वास्तु शैली से ज्वालामुखी मंदिर बना हुआ है वो है गुंबद शैली। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं सुजानपुर, मनाली, करसोग, या फिर नगर। तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये है करसोग में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पांडव भीम की पत्नी हिडिंबा और उनके पुत्र घटोत्कच के मंदिर बने हुए हैं। ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से हैं कुल्लू घाटी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, या फिर कांगड़ा घाटी। तो हिडिंबा देवी का जो इंपॉर्टेंट हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वो बना हुआ है मनाली में, और ये जो दोनों मंदिर है ये आते हैं कुल्लू घाटी में। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मणिमहेश पर्यटन स्थल किस जिले में है। तो मणिमहेश पर्यटन स्थल किस जिले में है, ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, या फिर कुल्लू। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चंबा में। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चंबा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दियोट सिद्ध मंदिर किस जिले में है। तो दियोट सिद्ध मंदिर कौन से जिले में है, बिलासपुर में, कांगड़ा में, हमीरपुर में, या फिर ऊना में। तो दियोट सिद्ध मंदिर जो है ये है हमीरपुर में। इस सवाल का सही जवाब है बी हमीरपुर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बाला सुंदरी मंदिर जो है ये है सिरमौर में, लेकिन सिरमौर में ये कहाँ पर स्थित है, रेणुका में, त्रिलोकपुर में, पोंटा में, या फिर बड़ागांव में। तो इस सवाल का जो सही जवाब है जो बाला सुंदरी का मंदिर है ये है त्रिलोकपुर में। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सी त्रिलोकपुर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पगोड़ा शैली में निर्मित है। तो भूतनाथ मंदिर मंडी, हिडिंबा मंदिर मनाली, भीमाकाली मंदिर सराण, या फिर की गोम्पा स्पीति। तो इनमें से पगोड़ा शैली में बना हुआ कौन सा मंदिर है, तो पगोड़ा शैली में बना हुआ मंदिर है हिडिंबा मंदिर मनाली। अगर आपने हिडिंबा मंदिर देखा है तो जो पगोड़ा शैली है वो कुछ पिरामिड की तरह होती है, लेकिन उसमें जो छत होते हैं पहले बाहर बहुत बड़ा छत होता है, उसके ऊपर छोटा छत, फिर ऊपर जाके और छोटा छत, तो इस तरह की स्टेयर्स के तरीके का एक छत बना होता है, उसे कहा जाता है पगोड़ा शैली। तो हिडिंबा देवी का जो मंदिर है मनाली में वो हिडिंबा पगोड़ा शैली का बना हुआ है। अगला सवाल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है अवलोकितेश्वर मंदिर। तो अवलोकितेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर है, चंबा में, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में, या फिर किन्नौर में।
जो अवलोकितेश्वर मंदिर है ये है लाहौल स्पीति में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है चिंतपूर्णी मंदिर का अधिकतर भाग किस जिले में है। ये एक हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस मंदिर है चिंतपूर्णी मंदिर, और ये उन 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर है, ऊना में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या फिर बिलासपुर में? तो ये है ऊना में, ये इसका राइट आंसर है, चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है चंडीगढ़ के नजदीक मनसा देवी मंदिर डैश स्टेट के पूर्वकालीन प्रदेश में था। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, कांगड़ा, सिरमौर, महलोग या फिर कुठार? तो ये कहां पर था? इस सवाल का जो सही जवाब है ये है सिरमौर। तो ये सब इससे पहले सिरमौर प्रदेश में था मनसा देवी का मंदिर। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है हाटकोटी मंदिर किस जिले में है, सिरमौर, चंबा, शिमला या फिर कुल्लू? तो हाटकोटी मंदिर जो है ये कौन से जिले में है, ये है शिमला जिले में, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है ब्रजेश्वरी मंदिर जिसे महमूद गजनवी की सेना ने नष्ट कर दिया था कहां पर है? तो ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर है जिसे महमूद गजनवी की सेना ने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और शिमला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कांगड़ा। तो ब्रजेश्वरी देवी का जो मंदिर है ये कांगड़ा में है, इसे महमूद गजनवी की सेना ने नष्ट कर दिया था। अगला सवाल है 13वीं शताब्दी में निर्मित प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर का 19वीं शताब्दी में किस शासक ने जीर्णोद्धार किया था? तो जो प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर है ये बना था 13वीं शताब्दी में, लेकिन इसका जीर्णोद्धार हुआ था 19वीं शताब्दी में, वो किस शासक ने किया था? जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, राजा घमंड सिंह, राजा विधिचंद, राजा संसार चंद या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसने किया था, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था राजा संसार चंद ने। तो राजा संसार चंद काफी इंपॉर्टेंट है, ये कांगड़ा का राजा था। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है मशरूर के मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बिलासपुर, शिमला, कांगड़ा या फिर सोलन में? तो मशरूर का जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, ये है कांगड़ा में। तो इस सवाल का सही जवाब है कांगड़ा। तो कांगड़ा में मशरूर के मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। मसरूर के मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है कांगड़ा जिले में, कांगड़ा इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है 84 मंदिर किस जिले में है? तो 84 मंदिर के बारे में हमने पहले भी बात की, 84 मंदिर जो है ये चंबा से जुड़ा हुआ है, साहिल वर्मन से जुड़ा हुआ है। तो 84 मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है किन्नौर, चंबा, भरमौर या फिर कांगड़ा? तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो है, एक बात याद रखिएगा, ये साहिल वर्मन से जुड़ा हुआ है ये मंदिर, और ये मंदिर चंबा से रिलेटेड है, लेकिन ये चंबा में नहीं है, चंबा के भरमौर में है। तो इस सवाल का कई बार इस तरह के ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो एग्जैक्टली ये जहां पर लोकेटेड है वो है भरमौर में, भरमौर है चंबा में। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भूतनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 1527 ईस्वी में, और ये किस कहां पर है, ये है मंडी में। अगला इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, श्याम सेन ने, भूमि सेन ने, अजबर सेन ने या फिर गोविंद सेन ने? तो ये इसका जो निर्माण करवाया था वो यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट राजा जो थे उन्होंने करवाया था, इनका नाम था अजबर सेन, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, चंबा में या फिर मंडी में? तो जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये है लाहौल स्पीति में, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है माता पार्वती के कान की गुम हुई बालियों को शेषनाग ने जिस स्थान पर ढूंढ निकाला था उस मंदिर का क्या नाम है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, माँ पार्वती के कान की जो गुम हुई बाली थी उन्हें शेषनाग ने ढूंढ निकाला था, जिस जगह पर उन्होंने ढूंढ निकाला था वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मणि महेश, मणिकर्ण, बिजली महादेव या फिर त्रिलोकी नाथ? तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है वो है मणिकर्ण, मणिकर्ण। तो कान की जो मणियां थी, कान की जो बालियां गुम हुई थी
माँ पार्वती के कान की जो बालियां गुम हुई थी वो शेषनाग ने मणिकरण से ढूंढ निकाली थी। तो मणिकरण इस सवाल का सही जवाब है। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने 31 क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी के कुछ क्वेश्चंस और भी है इससे रिलेटेड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियोज शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सके। आप हमें एक टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बन रखी है चैनल पे, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें चैनल को, जो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें।